मुंबई से सटे पालघर जिले के बोईसर ग्राम पंचायत में घरपट्टी विवाद को लेकर अधिवेशन में उठे सवाल पर बोईसर सरपंच वैशाली बाबर मीडिया के सामने आकर विरोधियों को करारा जवाब दिया है और बोईसर विकास कामों का पुल बांधा है। वही भ्रष्टाचार में लिप्त भस्मासुर संतोष मराठे को आड़े हाथों लेते हुए उसके पास आय से अधिक संपत्ति मामले पर एंटी करप्शन से उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। पेश है News24 भारत की रिपोर्ट। क्या मुद्दा है जो बोईसर ग्राम पंचायत को घरपट्टी के भ्रष्टाचार का मामला है? जो विधान परिषद में जो तारांकित प्रश्न लिया जा रहा है उसमें हाथ संतोष मराठे का है। जो संतोष मराठे ग्राम पंचायत का एक लिपिक था उसको हम लोगों ने भ्रष्टाचारी के आरोप में उसको सस्पेंड किया है। जो भस्मासुर संतोष मराठे पिछले कई सालों से बोईसर वासियों को लूट कर भस्मासुर हो गया है, जिसकी जांच ऊपर के लेवल पर चल रही है, जिसका निर्णय जल्द आने वाला है। अधिकारियों पर दबाव डालकर उनका ध्यान भटकाया जा रहा है। देखा जाए तो ये आज भस्मासुर मराठे के पास 100 करोड़ से भी ज़्यादा उसके पास संपत्ति है, जिसकी जांच एंटी करप्शन के माध्यम से होनी चाहिए। देखा जाए तो जो पत्रकार बंधु सुपारी लेकर हमारे ग्राम पंचायत को बदनाम करना चाह रहे हैं, उनको हमारा विकास काम नहीं दिख रहा है, पर बोईसर ग्राम पंचायत जो विकास काम करे उस पर क्यों खबर अच्छी छाप नहीं रही है? जो हमारा पहले से ही नारा है बोईसर को स्वच्छ बनाएंगे और सुंदर बनाएंगे, और ये पहले से ही हम लोग अभी भी कर रहे हैं और लास्ट तक हम लोग करते रहेंगे। ऐसे कितने भी LOQ तारांकित प्रश्न की गए तो हम लोग को उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं।